गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत हम जो है अधिगम के उपागम के अंतर्गत हमने व्यवहारवाद के उपागम जो है पावलोव, स्किनर और जॉन राइट तीनों के सिद्धांतों का अध्ययन कर लिया है और उनके शैक्षिक निहितार्थ भी हमने जाने। आज का हमारा टॉपिक है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद का मतलब है समग्रता का सिद्धांत। समग्रता से तात्पर्य है कि हम किसी भी वस्तु को संपूर्ण रूप में देखते हैं। पूर्णकारवाद भी कहा जाता है इसको। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, जब मैं आपको दिखाऊंगी या मैं स्वयं हूँ, आप जब मुझे देखोगे तो मेरी पूरी आकृति को पूरी को हम देखोगे। आप प्रत्येक अंग को नहीं देखोगे कि मैम की नाक ये है, आँख ये है, रंग ये है, वो है। आप उसको नहीं, एक संपूर्ण आकार में किसी भी पिक्चर को हम पहले देखते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो गेस्टाल्टवाद जो है जर्मनी का, गेस्टाल्ट शब्द है जर्मनी भाषा का है, जिसका अर्थ है रूप आकार या ढांचा। रूप आकार और ढांचे को जो है व्यक्त करना या संपूर्ण संरचनावाद भी हम इसको कहते हैं। गेस्टाल्टवादी जो थे ना, वो मनोविज्ञान का गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म जर्मनी में हुआ और ये जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रूप आकार और या ढांचा। ठीक है, तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ रूप आकार और ढांचा। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार मनुष्य कुछ कार्यों को करके सीखता है, जब तक वो कार्य को करता नहीं है तब तक उससे वो अधिगम नहीं करता है। अधिगम कब होता है? जब हम उस काम को स्वयं करते हैं, दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन सुनकर हम अधिगम नहीं कर सकते। यदि हम उससे अधिगम भी करते हैं तो हमारे कार्य में कुशलता नहीं होती, सीखने की गति हमारी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, मंद गति से जो है सीखने की प्रक्रिया चलती है। तो इसमें आपको गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञानी का जन्म जर्मनी से माना जाता है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ रूप आकार व ढांचा से लिया जाता है गेस्टाल्टवादियों के अनुसार गेस्टाल्टवादियों के अनुसार मनुष्य कुछ कार्यों को करके सीखता है कुछ को दूसरों को करते हुए सीखता है।
देखकर सीखता, दूसरों को करते हुए देखता। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति बिना बताए, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति बिना बताए सूझ के द्वारा सीखता है। सूझ के द्वारा जो है वो सीखता है। इसके लिए इनका कहना है कि कुछ कार्य व्यक्ति स्वयं करके सीखता है, कुछ कार्य दूसरों को करते हुए देखकर सीखता है, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपने समझ बूझ के माध्यम से करके सीखता है। कभी किसी ऐसी विकट परिस्थिति में या ऐसी परिस्थिति में हम आ जाते हैं कि उस समय हमें अपनी समझ बूझ के माध्यम से कार्य को करना पड़ता है, उससे अधिगम करना पड़ता है। इसके यदि सीखता है, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें व्यक्ति बिना बताए अपनी सूझ के द्वारा सीखता है। यही बात प्रमुख गेस्टाल्टवादी जो हैं इसी बात को सिद्ध करने के लिए इसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रमुख गेस्टाल्टवादी कोफ्का, कॉलर, कॉलर वर्दीमर ने अपने प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कुछ कार्य करके सीखते हैं, कुछ दूसरों को करते हुए सीखते हैं, और दूसरी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने समझ बूझ के साथ परिस्थिति उत्पन्न होने के कारण हम सीखते हैं। और प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन कौन हैं? वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर, जिन्होंने अपना प्रयोग के द्वारा इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है। अब कोहलर का जो सिद्धांत है, इसमें जो है कोहलर ने जो है एक बंदर को एक बॉक्स में बंद कर लिया था, ठीक है, जो सूझ के सिद्धांत से के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपके जो कोफ्का और कोहलर ये वर्दीमर, इनके जो है आपके फर्स्ट पेपर में मैडम ने करा दिए होंगे। मैं कोहलर वाला सिद्धांत, जो सूझ का सिद्धांत है गेस्टाल्टवादी का, उसके बारे में बताती हूँ कि कोहलर ने जो है बंदर पर, एक सुल्तान नामक बंदर पर जो है प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बंदर जो है सूझ के द्वारा कार्य करना सीख गया। उसको एक बॉक्स में, एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बहुत ऊंचाई पर जो है एक केले का गुच्छा जो है उन्होंने टांग दिया, और बॉक्स में ही जो है उसको एक बक्सा रख दिया। चूँकि केले बहुत ऊंचाई पर टंगे हुए थे तो बंदर को प्राप्त करने में, उस तक पहुँचने में दिक्कत आ रही थी, और भूख जो है उत्तेजना के रूप में कार्य कर रही थी। अचानक बंदर इधर उधर उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि जो है उस बक्से पर पहुंच गई, और बक्से के पास एक डंडा भी उस पिंजरे में रखा हुआ था।
फिर उसने उस बक्से पर खड़े होकर डंडे की सहायता से जो है किले तक पहुंचने में उसने सफलता हासिल कर ली। फिर वापस उसने इसी प्रयोग को किया दूसरे दिन कि आज उसमें जो है उसकी केलों को टांगने की ऊंचाई और ज़्यादा कर दी, ठीक है, और अब दो बक्से रख दिए, पहले एक था अब दो बक्से रख दिए, और जो दो बक्से रख दिए तो जो बंदर जो है उस केले तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, ये केन इधर उधर घूमा, फिर उसको एक अटैची एक बक्सा दिखाई दिया, दूसरा फिर उसने क्या करा उस बक्से को उस दूसरे बक्से को उसके ऊपर रख दिया और फिर डंडे की सहायता से उसने वहाँ तक केले प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली। ऐसे ही जो है तीसरे दिन फिर किया, फिर केलों को और ऊंचाई पर टांग दिया और बक्से दो ही थे और डंडा एक के बजाय दो रख दिए और रस्सी रख दी, तो बंदर जो है प्रयास करता रहा, अचानक उसको सूझा कि इस डंडी को जो है बांध दिया जाए दोनों डंडियों को तो डंडी और लंबी हो जाएगी, तो उसने वो बांध कर उसको जो है केलों को प्राप्त कर लिया। इससे इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि परिस्थिति के अनुसार हमारी सूझ दृष्टि डेवलप होती है और हम जो है धीरे धीरे काम को सीखते चले जाते हैं। तो गेस्टाल्टवाद जो है सीखने का सिद्धांत जो है उनका समग्रता के सिद्धांत पर आधारित है और इसके प्रमुख जो प्रयोगवादी हैं गेस्टाल्टवादी व्लादिमीर पोस्टा और कोहलर को माना जाता है। यह करें लिखिए गेस्टाल्टवाद का अर्थ साथ ही घर में रहिए सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।